आपको बता दूं, मैं मेरे साथ स्कैम हो चुका है जो कि ओयो वाले ने किया और होटल वाले ने किया, दोनों ने मिलके किया है। तो ये देखिए गाइस, ये ब्लैंकेट का सब फालतू फटा हुआ। यहाँ पे वाईफाई नहीं है, जो बेसिक नीड है इंसान का वो नहीं है। आप 1100 रुपये ले रहे हो, वाईफाई नहीं दे रहे हो, शर्म आ रहा है क्या कुछ? नाम बड़े दर्शन छोटे, ये मुहावरा सुना है आपने? तो ये होटल पे फिट बैठता है, आप ध्यान से देख लीजिए, राजमहल कंफर्ट्स ओयो का है ये, ओयो और दोनों पे सूट होता है ये मुहावरा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज आपको मैं इन दोनों का फ्रॉड कैसे करते हैं इन लोग मैं बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। जो नाइट का वीडियो दिखाया आपको वेबसाइट पे, इस तरह से होटल दिखेगा। सो हेलो गाइज, तो बेसिकली अभी मेरे आपने देख लिया कैसा होटल बाहर से दिख रहा है, कैसा है क्या है। और आपको बता दूं, मैं मेरे साथ स्कैम हो चुका है जो कि ओयो वाले ने किया और होटल वाले ने किया, दोनों ने मिलके किया है। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से अभी कि ना, मुझे ना एग्ज़ाम था मेरा, तो मेरे एरिया आसपास दिख रहा था, तो ये होटल मुझे बेस्ट लगा, बड़ा भी था, 3 स्टार था, तो मैंने बुक किया। तो ऑनलाइन ना मुझे कितने बजे मिल रहा था, 12 बजे का चेक इन था, तो मुझे 8 बजे का चेक इन किया था। इसलिए मैं कॉल करके ओयो में पूछा कि मुझे कस्टमाइजेबल चाहिए, 8 बजे मिल जाएगा चेक इन, तो बोला हाँ हो जाता है सर। तो मैंने बुक कर लिया, तो कॉल पे उन लोगों ने बुक करके दिया मुझे, और मेरे को पेमेंट का लिंक दिया, 370 रुपीज़ मैंने पे कर दिया ऑनलाइन ही। तो फिर ऑनलाइन पे कर दिया मैंने 370। तो जैसे कि मैं होटल में आया ना, फिर होटल वाले बोल रहे नहीं, हम लोग ओयो में रूम देते ही नहीं है, और आपने तो 370 बुक किया है। मेरा स्टार्टिंग है 1100 रुपये होटल, मतलब एक रूम 1100 से स्टार्ट होता है, नॉन एसी वाला। तो मैं बोला ये क्या स्कैम है भाई, ओयो ने तो मुझे 370 में करके दिया है। तो बोलते नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, 1100 स्टार्टिंग है। तो मैं बोला ओके ठीक है, मैं पे कर देता हूँ फिर। तो मैंने पे कर दिया 1100 रुपये, और आपको मैं रूम दिखाता हूँ 1100 में कैसा रूम है इनका, तो ये रूम दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा इनका कमरा, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है। आप एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है मेन एंट्रेंस का डोर, और ये रहा इतना छोटा सा दरवाजा हॉल। देखिए 1100 रुपये में आपको इतना छोटा सा कमरा दे रहे हैं लोग, और ये खुद को 3 स्टार होटल बोलते हैं। और ये रहा छोटा सा वॉशरूम, यहाँ पे है शावर, और ये है कमोड इनका है, बहुत छोटा सा ये मैं बोलूँ। और टॉयलेटरीज तो लोग कुछ देते नहीं है, मैं मांगने पे मुझे जाके मिला एक साबुन मिला बस। 3 स्टार होटल में ऐसा रहता नहीं, मैं उनको बोला भी आपके पास टॉवल अवेलेबल है कि नहीं, बोले टॉवल भी अवेलेबल नहीं है, सब लॉन्ड्री में गया हुआ है। तो ऐसी कैसी सर्विस इनकी देख लीजिए आप, सिर्फ एक मैट एक साबुन मिला था मुझे। और ये छोटा सा रूम है, जाके एक टीवी है डब्बा सा, वो भी मैंने चला के देखा, चलता नहीं है ये। और एक मिरर दिया है बस, और ये रहा बस इतना सा, ये 1100 रुपये में आपको इतना सा ही रूम मिलने वाला है। और ये आप बेड देखिए, कुछ ही नहीं, आवाज़ देखिए कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम गरीला बेड है, एकदम ख़राब है, देखिए बाउंस भी नहीं होता पे। तो स्कैम हो चुका है पूरा ये होटल में, 1100 रुपये भरने के बाद भी स्कैम हो चुका है, कुछ स्पेस ही नहीं अवेलेबल 1100 रुपये में। बाकी सब होटल्स पे बहुत सारे स्पेस रहते हैं। तो ये मेरी गलती हो गई कि मैंने ये होटल चूज़ किया, क्योंकि पीछे बेसिकली मेरा एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम देने के लिए मैं नज़दीक वाला देख रहा था होटल, तो यही मुझे सबसे अच्छा लगा। बाहर से भी आपने देख लिया कितना बड़ा दिखता है, मस्त दिखता है, लेकिन अंदर आने के बाद आपके साथ ये स्कैम होने वाला है, तो बी वेयर। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, अगर आपको आना है तो कंफर्म कर लीजिए, पूरा होटल देख लीजिए कैसा, आपको कौन सा रूम मिल रहा है। एंड प्राइस तो बहुत हाई है इनका, और सर्विस तो बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है। तो बस यही था ये होटल का, और ज़्यादा वीडियो बनने का मन तो है नहीं मेरा अभी यहाँ पे, बिकॉज सर्विस भी कुछ खास नहीं है इनकी। और खाने के लिए तो नीचे इतने मस्त मस्त शॉप है, आपको मैं दिखा दूंगा सुबह, तो आप वहाँ से खाइएगा, यहाँ पे क्या पता कैसा रहेगा, तो मतलब नहीं है। तो चलिए गाइस, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, अगर अब भी जाने से बच गए, आपके भाई ने आपको बचा लिया हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब सब कर दीजिए। बात बोलते तो आप गलती से भी कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना ओयो वाले को, कॉल पे अगर आपका भी कस्टमाइजेबल करा रहे तो होटल में आके कंफर्म करो, फील करो, क्योंकि मोस्टली ना ओयो वाले होटल में जाने के बाद बोलते हैं हम लोग ओयो में रूम देते ही नहीं है, बंद कर दे देना, तो ये सब सीन हो रहा है आजकल। तो बी वे, तो मेरे मैं तो फंस चुका हूँ, आप ना फंसे, पैसा बहुत
मेहनत से कमाते हम लोग, और ऐसे ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरे 1500 रुपये के नुकसान हो गया। और आपको मैं बता दूँ, जो मैंने 370 पे किया था, बाद में ना इन लोग बोल रहे वो मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। और वही मैं कॉल किया तो उन लोग 2 2 घंटा मुझे होल्ड पे डाल रहे हैं, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे। फिर बाद में 3 घंटे बाद मुझे बात हुआ तो उन लोगों ने बोला हम लोगों को पेमेंट नहीं आया, आप फ़ोन पे वाले से बात करो जिससे आपने पेमेंट किया है। तो फ़ोन पे कंपनी से किया बात तो फ़ोन पे वाले तो हमारी तरफ से पेमेंट हो गए, आप बैंक में पता करो नहीं तो उनको ही बोलो हम लोग से पेमेंट हो गया। तो ऐसा स्कैम है। 1100 रुपये मेरे को उधर नुकसान हो गया और 370 इधर, तो 1500 मेरा नुकसान हो ही गया है, क्या बोलूँ मैं। और आपको मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये रूम का ब्लैंकेट विंकेट कैसे आपको मैं दिए दिखाता हूँ। आप 1100 में 3 स्टार होटल में आपको ऐसा ब्लैंकेट मिलने वाला है, देख लीजिए। तो ये देखिए गाइस, ये ब्लैंकेट कैसा फालतू फटा हुआ, सब फटा हुआ है। इसे बीच में तो होल था, आई थिंक किधर है होल, जस्ट होल देखा था मैंने गाइस। ये देखिए इनका होटल का ब्लैंकेट, ऐसे होल है इसके अंदर, क्या बोला जाए भी। एक तो इतना छोटा सा रूम है, ऊपर से इतना फालतू सा, ये टीवी भी चलता नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी। और गाइस सेकेंड बात, एकदम ख़राब बात आपको बताऊँ इस होटल की, यहाँ पे वाईफाई नहीं है, जो बेसिक नीड है इंसान का वो नहीं है। आप 1100 रुपये ले रहे हो, वाईफाई नहीं दे रहे हो, शर्म आ रहा है क्या कुछ। जब मैंने पूछा उनको वाईफाई क्यों नहीं है, 1100 रुपये आपने लिया है मेरे से, तो बोलते हैं वाईफाई नहीं, रिचार्ज ख़त्म हो गया और नेट वाला अवेलेबल नहीं है, इसके वाईफाई आपको नहीं मिल सकता। तो बेसिकली ऑफलाइन आने पे ये स्कैम होते हैं, ऑनलाइन करके भी आओ तो ये स्कैम करते हैं लोग। तो बी वेयर, गलती से भी मत आना, मैं बता रहा हूँ आपको, बी वेयर। तो चलिए गाइस बस यही था आज के होटल का, तो आपके ऊपर आप आने के लिए आना। और खाने के लिए बहुत नीचे एकदम मस्त मस्त रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ से ही खाइएगा, यहाँ से मंगाइएगा मत। तो बस यही था, चलिए अब इंडेक्स वीडियो में मुलाकात होगी। इसी बात पे आपको फंसने से बचा है, इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अभी बैंगलोर सीरीज का बहुत मस्त मस्त फूड टूर मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।